केंद्रीय मंत्रिमंडल री बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। एक बड़ा सुधार रहते तहत राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा रो लियो गयो फैसलो, जिन खातर चलाई जावेली कर्मयोगी योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना रा हालात री लेनी समीक्षा बैठक। बैठक में कोरोना रा रोकथाम खातर भांत भांतरा मुद्दा माथे करेगी चर्चा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा आज 690 नवा मामला रसाते ही संक्रमिता की तादाद भी 83,000 रे बारे। चिकित्सा महकमा रा प्रमुख शासन सचिव गांवा और कस्बा में कोरोना की रोकथाम खातर रणनीति बना बारा दीना निर्देश। राज्य निर्वाचन महकमा रा एहलकाना रा साथे मुख्य चुनाव आयुक्त लीनी बैठक। कोविड-19 महामारी ने ध्यान में राखता तका निर्वाचन रा संचालन रा बारा में दीना दिशा निर्देश। और प्रदेश में बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमो आबाड़ा 24 घंटा में कई जिला में तेज बिरखारी दीनी चेतावनी। आपदा प्रबंधन महकमो बाढ़ नियंत्रण कक्ष कर स्थापित। नमस्कार, सीजा 4:30 बजे राजस्थानी खबर में आपरो घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास, सौरभ खबर विगतवार। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहो कि एक बड़ा सुधार रहे तहत राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा रो फैसलो लियो गयो है। केंद्रीय मंत्रिमंडल री बैठक रे पचे खबर नविशासू बातचीत में जावड़ेकर कहो कि इन रे तहत कार्यक्षमता बढ़ावा और बिना प्रभावी बनावा खातर कर्मयोगी योजना चलाई जावेली। इन रे साथ ही जम्मू कश्मीर खातर राजभाषा विषयक 2020 ल्याबारो फैसलो भी लियो गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक में एक बड़े सुधार के तहत राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा का निर्णय हुआ। भर्ती के लिए अनेक परीक्षाएं छात्रों को देनी पड़ती है, उसके एवज में एक ही परीक्षा हो, यह उस निर्णय का मूल अर्थ था। और मुझे खुशी है कि पूरे देश भर में उसका स्वागत हुआ। वो भर्ती के पहले का सुधार था, आज भर्ती के बाद का सुधार का निर्णय हुआ है। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमता वर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमता वर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन का सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। और उसके लिए आज जितेंद्र सिंह जी यहाँ आए हैं, छोटा प्रेजेंटेशन भी होगा और उसके बाद वो एक्सप्लेन भी करेंगे। एक दूसरे निर्णय के तहत जम्मू कश्मीर के लिए एक राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ और उसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेगी। इसकी ये लोगों की मांग पर इसका निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना रा हालात री समीक्षा बैठक लेनी। जयपुर रा मुख्यमंत्री निवास माते हुई इन बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग समेत कोर ग्रुप रा सदस्य मौजूद रहा। बैठक में प्रदेश में कोरोना की रोकथाम करवा खातर न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार विमर्श कर्यो गयो। प्रदेश में आज कोरोना रा 690 नवा मामला सामने आया है, जिन साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों आंकड़ो 83,853 ताई पूग गयो। प्रदेश में कुल आज जयपुर में 124, बीकानेर में 79, जोधपुर में 75, अलवर में 71, अजमेर सू 70 और झालावाड़ सू 65 कोरोना संक्रमित
मामला सामने आया। महकमा मुजब 5 लोगों की मौत वेगी है। इंडरा साथ प्रदेश में मौतों रो आंकड़ो 1076 ताई पुग गयो। चिकित्सा महकमारा प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा एक पानड़ी जारी कर प्रदेश रा गांव और कस्बा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर प्रभावी रणनीति बनाबारी कार्रवाई करबारा निर्देश जारी कर है। आ निर्देशा रे सारू प्रदेश रा सगड़ा ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में COVID-19 रा मरीजा खातर अलग सू ओपीडी की व्यवस्था करी जावेली। एणरा साथ ही ओपीडी में प्रशिक्षित चिकित्सा अहलकार और पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात करो जावेलो। 4 गुना बेड तो हाई फ्लो ऑक्सीजन के करने के डायरेक्शंस मुख्यमंत्री जी ने जारी किए हैं, प्लस 100 बेड का कोविड केयर सेंटर भी वहीं डेवलप कर लें ताकि जो गंभीर मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है हाई फ्लो ऑक्सीजन की उनको आप मेन हॉस्पिटल में रख सकें और जिनको ज़रूरत कम है उनको वहीं पर ही कोविड केयर सेंटर है उस पर अलग से रख, तो कम से कम 100 बेड तो ये बढ़ जाएंगे और उसके अलावा हाई फ्लो ऑक्सीजन के जो बेड हैं उनको 4 गुना करने के डायरेक्शन जारी किए हैं। इसके साथ साथ निम्स में 25 ऑक्सीजन युक्त बेड और 75 कोविड केयर के बेड ये भी वहाँ डेवलप करने के डायरेक्शन दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अधिग्रहित किया जा सकता है, हमारे सरकारी अस्पतालों में भी 1-2 अस्पतालों को हम सिर्फ कोविड के हॉस्पिटल्स में वापस काम में ले सकते हैं। अगर संक्रमण बढ़ता है तो सरकार की पूरी तैयारी है और हम इसको आम आदमी को बचाने के लिए पूरी तरह से हमारी प्रिपेयर्डनेस है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो कि कोरोना मरीजा ने बचाणु सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहां कहो कि प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने मजबूत करवारे साथ ही सरकार रो पूरो ध्यान मैनपावर की कमी ने दूर करवा माथे भी है। जिरे चालता 6310 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू करी गई है। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता तक चिकित्सा मंत्री कहो कि RUHS सफाखाना में बेडा ने हाई फ्लो ऑक्सीजन से जोड़ो जावेलो। चूरू जिला में एक दिन में 127 कोरोना पॉजिटिव मिलवार साथ ही चिकित्सा महकमो और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में था गयो। जिला में सबसे बत्ता 110 मामला राजगढ़ रहा है। इंडरा साथ ही जिला में कुल संक्रमितों की तादाद 1134 वेगी। जिला रा ACMHO द्वारा एहसान गोरी बताया कि कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता तक जिला प्रशासन सतर्क है और ईरा प्रसार ने रोकबा खातर जाँच की तादाद बढ़ा दी गई है। जिले के अंदर पॉजिटिव आए हैं जिसमें से 110 लोग राजगढ़ के हैं, सुजानगढ़ का एक है, चूरू के 10 लोग हैं, तारानगर का एक है, सरदार सर के 5 है। जिस हिसाब से चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि इस कोरोना जैसे महामारी के रोकथाम के हेतु ज़्यादा से ज़्यादा जांच करके इन केस को आइडेंटिफाई किया जाए और इनको क्वारंटाइन किया जाए। जी बिल्कुल, इतने केस आने के बाद में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग अपने स्तर पर सैंपलिंग का कार्य काफ़ी बढ़ा रहा है और आगे भी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं कि किस हिसाब से उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना के वहाँ के एरिया का सर्वे करवाया जाए, इस तरह से सर्वे में इन लोगों को जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको चिन्हित किया जाएगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और छोटे बच्चे हैं, स्पेशल तौर पे इन पर ध्यान दिया जा रहा है। जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है उन लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आगे आएं और अपनी जांच करवाएं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर कानेसू कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और एहतियातरा उपाय रा प्रचार प्रसार खातर अभियान चलायो जा रही है। इन कड़ीमाएं कोरोना जागरूकता वाहिनी रा जरिया सू लोगों ने मास्क लगाबारो सही तरीको, सामाजिक दूरी बनाए राखबो और नियमित रूप से हाथ धोबारा बारा में जानकारी दी जा रही है। वो अभियान 9 सितंबर ताई चाले लो। राज्य सरकार कानेसू 7 सितंबर सू मंदिरा ने खोलबारी गाइडलाइन रे पछे अब मंदिर प्रशासन भी तैयारियां शुरू कर दी ने। जयपुर रा मोती डूंगरी गणेश मंदिर, खोलारा हनुमान जी समेत शहर रा दूजा मंदिरा में भी सरकारी गाइडलाइन रो पालन करो जावेलो। बटई कई मंदिरा रा महंत श्रद्धालुओं की तादाद, पूजा दर्शन रा तरीका समेत कई बातों माते प्रशासन सू बातचीत रे पछे फैसलो ले बारी बात कही है। जो राज्य सरकार द्वारा 7 सितंबर से मंदिरों के खोले जाने का जो निर्णय हुआ है उसका स्वागत है और सभी लोगों के मन में प्रसन्नता है, भक्तों में भी प्रसन्नता व्याप्त है, किंतु जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो लोगों की सुरक्षा को लेकर के है। जो आने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा और जो मंदिर की प्रशासन में जुड़े हुए लोग, यहाँ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उनकी सुरक्षा का, गुरुकुल जो चलता है उनकी सुरक्षा का, ये सब जो है इस समय चिंता का विषय है।
उनके आने वाले आगंतुक श्रद्धालुओं को भी कैसे व्यवस्थित ढंग से दर्शन हो पाए वो भी एक चिंता का विषय है। तो इसको लेकर के मंदिर प्रशासन की ओर से माननीय कलेक्टर महोदय को इस बारे में अवगत कराया गया है और उन्होंने अभी कोई ऐसा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया कि जिससे प्रशासन और पुलिस इसकी कोई व्यवस्था कर पाएगी, अभी ऐसा कोई स्पष्ट उन्होंने नहीं बतलाया है। वहाँ से जब तक कोई स्पष्ट बात नहीं आती है तब तक अभी मंदिरों का खोला जाना लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से मैं उचित नहीं मानता हूँ। राज्य सरकार ने जो 7 सितंबर को मंदिर खोलने की जो घोषणा की है उसका हमारे ट्रस्ट के और भक्त लोगों सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने 7 तारीख मंदिर खोलने की परमिशन दी है और साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उसके अनुरूप ही उसको देखते हुए ही हम लोग 7 तारीख से दर्शनार्थियों को मंदिर में प्रवेश देंगे। सबसे पहले हम हाथ धुलाएंगे मंदिर में प्रवेश से पहले, हमें हाथों को सैनिटाइज करेंगे, थर्मल स्कैनिंग करेंगे और गोले हमने 6-6 फीट के दूरी पर गोले बनाए हैं उसमें वो जाकर के सीढ़ियों से एक तरफ से सीढ़ियों से चढ़ेगा भक्तों और हनुमान जी के सामने करीब हमारे एक बार में 15 लोग दर्शन करेंगे। भक्तों से भी हम ये निवेदन करेंगे कि सभी लोग अपने मास्क लगा के आएँ और बच्चों को अपने साथ नहीं लाएं, ज़्यादा अधिक से अधिक हो तो बच्चों को अपने साथ नहीं लाएं। खबरां हाल होर भी है पण पहली एक छोटो सो विराम। कोरोना महामारी के कारण सुस्त पड़ चुकी औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया है राज कौशल पोर्टल। औद्योगिक इकाइयां अपनी जरूरत के अनुसार इस पोर्टल के जरिए कुशल श्रमिकों को अपने यहां काम पर लगा सकती हैं। राज कौशल पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रदेश के श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस उपलब्ध है। इस पोर्टल पर 53 लाख से ज्यादा श्रमिकों का डेटाबेस है जिन्हें उनके कौशल के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में पंजीकृत किया गया है। राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार परक इकाइयों से जोड़ना। जन शक्ति का ये मॉडल दिनों दिन विशाल रूप लेता जा रहा है। अब तक पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों में से 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी हो चुकी है, यानी 30 लाख श्रमिक रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो देर किस बात की, राज कौशल पोर्टल पर आइए और अपनी जरूरत के अनुसार श्रमिकों को काम पर लगाइए। खबरामां एक बार फेरू आपरो स्वागत है। संसद रा मानसून सत्र री तारीखां रो ऐलान कर्यो जा चुक्यो है। 14 सितंबर सू संसद रो सत्र शुरू वेलो जको 1 अक्टूबर ताई चालेलो। कोविड-19 ने देखता तका इन बार कई खास बंदोबस्त कर्या गया है। इन बार संसद सत्र माए प्रश्नकाल नी वेलो। संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। 14 सितंबर से संसद का सत्र शुरू होगा और 1 अक्टूबर तक चलेगा। कोविड-19 के मद्देनजर इस बार कई खास इंतजाम किए गए हैं। 14 सितंबर को लोकसभा का सत्र 9 बजे से 1 बजे तक जबकि राज्यसभा का सत्र 3 बजे से 7 बजे तक चलेगा, जबकि बाकी दिन राज्यसभा 9 बजे से 1 बजे तक और लोकसभा 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी। इस बार संसद सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, साथ ही निजी विधेयकों के लिए दिन निर्धारित नहीं किया गया है। इसके साथ ही संसद सत्र के दौरान कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं होगा, यानी संसद का सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हर दिन चलेगा। कोविड-19 के मद्देनजर एहतियात के तौर पर सभी सांसदों से आग्रह किया जाएगा कि वो अपना कोविड-19 टेस्ट कराएं। इसके अतिरिक्त संसद परिसर में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। 40 स्थानों पर टचलेस सैनिटाइजर लगाए जाएंगे तथा इमरजेंसी मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। इस बार संसद सत्र के दौरान आम लोगों को संसद परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मीडिया कर्मियों का भी संसद सत्र से पहले कोविड टेस्ट अनिवार्य तौर पर किया जाएगा। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन शुरू होगी। 6 दिनारी परीक्षा रे पहले दिन लाखारी तादाद माए छात्र इन इम्तिहान माए भेड़ा हुआ। वो इम्तिहान 6 सितंबर ताई 2 पारी माए सुमारे 9:12 और दोपहर 3:06 बजे ताई राख्यो जा रही है। इन इम्तिहान माए प्रदेश रा 9 जिला माए परीक्षा केंद्र बनाया गया है जिन माए करीब 45,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रिया है। जयपुर रा कुक स्थापित आर्य इंजीनियरिंग कॉलेज माए जेईई रो परीक्षा केंद्र बनायो गयो है जटे कोविड-19 री गाइडलाइन री पालना भी करी जा रही है। कोविड-19 महामारी ने ध्यान माए राखता तका निर्वाचन रा संचालन रा बारा माए विगतवार दिशा निर्देश जारी कर गया है। राज्य निर्वाचन महकमा रा अहलकारा रा साथे जयपुर माए राखियोड़ी बैठक माए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा सगड़ा जिला निर्वाचन अहलकारा ने
महामारी ने ध्यान में राखता तक व्यवस्था में सुनिश्चित करने निर्देश देना एंडर साथ ही मतदाता सूचा में परिवर्तन करने खातर लोगों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने सारू जागरूक करने भी निर्देश देना है। पहली राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी निधन माते भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम राख्यो गयो। इन मौका माते प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, जयपुर सांसद रामचरण बोरा समेत भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रणब मुखर्जी फोटो माते फूल अर्पित कर वणा ने श्रद्धांजलि दीने इन दौरान दो मिनट रो मौन भी राख्यो गयो। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ दो दिनारा हनुमानगढ़ दौरा माते रिया। इन दौरान राठौड़ खबर नविसा सू बातचीत करता तका राज्य सरकार माते जमर हमलो बोलिया। वणा राज्य सरकार ने कोरोना री रोकथाम में असफल बतायो, साथ ही बिजली कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दा माते राज्य सरकार की आलोचना करी। इन दौरान राठौड़ पहली राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी निधन माते शोक जताया और हनुमानगढ़ रा दूजा सगड़ा कार्यक्रम भी निरस्त कर दीना। प्रणब मुखर्जी के निधन पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मौजूदा सरकार जो अपने कालखंड के 20 महीने पूरा कर रही है हर मोर्चे पर विफल रही। सरकार ने संसदीय परंपराओं को धत्ता बताकर विपक्ष के अनुपस्थिति के अंदर जिस प्रकार के कानून पास किए हैं, कृषि उपज मंडी में संशोधन के माध्यम से अगर कोई किसान राजस्थान के किसी कृषि मंडी क्षेत्र में या लाइसेंसी व्यापारी के क्षेत्र में अगर अपनी फसल को ले आया, फसल बिके या नहीं बिके, उसको मंडी टैक्स जो आज की तारीख में सर्वाधिक है देश के अंदर 2.6% देना पड़ेगा। देखिए, घोषणा वीर बने हुए मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जी वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर तांडव मचा हुआ है और इन्होंने कई बार घोषणा कर दी सारे जिला मुख्यालय पर हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। विधानसभा में कई बार इन्होंने मेजे थपथपा ली पर डाक के तीन पात अभी तक कोई निर्णय कर नहीं पाई। अब कोरोना के अंदर आंकड़े छुपाने का खेल प्रारंभ हुआ है, कोटा से प्रारंभ हुआ ये खेल। अब मैं समझता हूँ आंकड़े उल्टी का दिखाने चाहिए ताकि लोग ज़्यादा सावचेत हो जाएं, क्योंकि अब कम्युनिटी स्प्रेड की ओर राजस्थान बढ़ चुका है। रेलवे कानीसू कोरोना वायरस रा प्रभाव ने देखता तका जरूरी सामग्री और दूजी चीजाना परिवहन खातर बांद्रा टर्मिनल जम्बूतवी बांद्रा टर्मिनल पार्सल कार्गो स्पेशल रेल सेवारी संचालन अवधि में ट्रिपरी बढ़ोतरी करी जा रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अहलकार अभय शर्मा रसारू भारतीय रेलवे कानीसू रेलवे पार्सल ने त्वरित परिवहन खातर मुहैया करवायो जा रही है। श्रीगंगानगर में खरीफ 2020 में मूंगरी 98,578 हेक्टर में बिजाई हुई है। मूंग में फैलिया वायरस के कारण पत्ता पीला होबा सू फसल उत्पादन ने लेर काश्तकार घना चिंतित है। काश्तकारा रो कहना है कि दवाई रो स्प्रे करवारे बावजूद भी हाल ताई कोई सुधार नहीं देखो जा रही हो, जिसु पैदावार कम हो बारी आस है। खरीफ 2020 में 98,578 हेक्टर क्षेत्र में जो मूंग की बिजाई हुई है और जो मूंग की बिजाई शुरुआत में हुई है वो इस समय जो अच्छी फलियां पक रही है, अच्छी स्टेज पर है और 15 जुलाई के आसपास से बाद में जो बिजाई हुई है, लेट बिजाई मूंग की जो हुई है उसके अंदर पत्तियां पीले आने की समस्या आ रही है। कुछ काश्तकारों के वीडियो जा रहे हैं, फील्ड विजिट के दौरान भी कर देखा गया है, तो उन काश्तकारों की सलाह जारी की जाती है कि भाई ये जो पीली पत्तियाँ होना है ये येलो मोजेक है जो वायरस की वजह से, इसलिए किसी प्रकार के फंफूदनाशक दवा छिड़कने से कोई फायदा उसमें होने वाला नहीं है और उसके लिए कैरियर का काम करती है सफेद मक्खी, इसलिए मूंग की फसल में जो सफेद मक्खी है उसके नियंत्रण के लिए उपाय करें। उसके लिए जो कीटनाशक विभाग द्वारा सिफारिश है जैसे इथियोन है, डाइजोफोस है, डाइपेंथोरोन है, उनकी जो विभाग द्वारा सिफारिशुदा डोज है उसका प्रयोग करके उसका स्प्रे करें और उसका कंट्रोल करें और जब तक 10% से कम पौधों में प्रति पीढ़ी पत्तियां देखने में मिल रही है ऐसे पौधों को फाड़ करके एक जगह इकट्ठा करके जला दें या जमीन में गाड़ दें ताकि स्पेस मच्छर को वायरस कैरियर करने के लिए नहीं मिले और उसका नियंत्रण हो सके। खबराल और भी है पर पहले एक छोटो सो विराम।
कोरोना महामारी के कारण सुस्त पड़ चुकी औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया है राज कौशल पोर्टल। औद्योगिक इकाइयां अपनी जरूरत के अनुसार इस पोर्टल के जरिए कुशल श्रमिकों को अपने यहां काम पर लगा सकती हैं। राज कौशल पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रदेश के श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस उपलब्ध है। इस पोर्टल पर 53 लाख से ज्यादा श्रमिकों का डेटाबेस है जिन्हें उनके कौशल के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में पंजीकृत किया गया है। राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार परक इकाइयों से जोड़ना। जन शक्ति का ये मॉडल दिनों दिन विशाल रूप लेता जा रहा है। अब तक पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों में से 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी हो चुकी है, यानी 30 लाख श्रमिक रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो देर किस बात की, राज कौशल पोर्टल पर आइए और अपनी जरूरत के अनुसार श्रमिकों को काम पर लगाइए। खबरामा एक बार फिर आप सब रो स्वागत है। अब रुक करा अगली खबर रो। दोसा वन महकमू बड़ी कार्रवाई करता थका, पंचमेल लकड़ियां सू भरया एक ट्रक ने जब्त करो है। वो ट्रक दोसारा लालसोट सू उत्तर प्रदेश जा रही हो। ट्रक में करीब 200 क्विंटल पंचमेल लकड़ियां मिली जो कि बिना परमिट के ही ले जाई जा रही है। दोसारा DFO वी केतन कुमार रसारू राजस्थान वन अधिनियम रे तहत ट्रक ने जब्त कर आगेरी कार्रवाई करी जा रही है। दौरान सिविल लाइन्स पुलिया के पास एक ट्रक उन्होंने रोका और उसमें ये देखा कि कुछ उसमें टिम्बर मटेरियल थी, तो उन्होंने उसको जांच की तो उसमें पंचमेल लकड़ी मिली। एंड इसकी वजह से हमने फिर राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट के अंदर में इसको हमने जब्त किया है एंड सेक्शन 41-42 के अनुसार इस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। इस ट्रक के अंदर में लकड़ी के स्पीशीज़ जो हैं वो बबूल, टोटलिस, नीम एंड अदर स्पीशीज़ थे, तो उसके अनुसार हम इस ट्रक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। एंड अभी हमारे पास सेंट्रल नर्सरी कैंपस में सीज किया। कोरोना वायरस रा संक्रमण ने देखता थका ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल वैन रे जरिए लोगों ने इलाज मुहैया करवायो जा रही है। जयपुर जिला रा बस्सी उपखंड में मोबाइल वैन रा जरिया सू गांव गांव जार जरूरतमंद मरीजा ने दवाई मुहैया करवाई जा रही है। मोबाइल OPD वैन राज्य सरकार के द्वारा उन क्षेत्रों में प्रारंभ की गई थी जिन क्षेत्रों में कोरोना के मरीज थे या लॉकडाउन की वजह से जिन क्षेत्रों से मरीज अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ थे या जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित जिनकी लंबी दवाइयां चल रही थीं लंबे समय के लिए, उन सबको दवाइयां पहुंचाने के लिए मोबाइल OPD वैन की व्यवस्था की गई। सीनियर सिटीजन जो लोग हैं और जो असहाय लोग जो अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ हैं उनको दवाइयां उनके घर पर उनकी जगह पर ही उपलब्ध हो जाए उसमें ये मोबाइल OPD वैन बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। हम जो राजकीय चिकित्सा सुविधाओं के अंतर्गत मोबाइल वैन चलाई गई है जो कि अलग अलग गांवों में जा कर के चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करती। लॉकडाउन के टाइम में जो लोग हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे थे दवाइयां ले पाने के लिए, उन लोगों को उनके घर तक हम मेडिसिन की सुविधाएं हैं। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा बतायो कि आम लोगों का आवास रा सपना न पूरा करवा खातर आवासन मंडल प्रदेश रा न्यारा न्यारा शहर में लॉन्च करेगी 19 आवासीय योजना वाला 6663 आवासा खातर पंजीकरण की प्रक्रिया काल सू शुरू कर दी। जयपुर में 7 आवासीय योजना लॉन्च करेगी है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप कहो कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात नीति ने प्रोत्साहन देवा खातर नुआ निर्यातक और काश्तकार ने बढ़ावो देणु पड़ेलो। जयपुर शासन सचिवालय में राखोड़ी राज्य स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति की बैठक ने संबोधित करता तकावणा कहो कि राज्य कृषि उद्यमिया और किसान ने नीति रे तहत प्रोत्साहित करवा करता थका निर्यात ने बढ़ावो देणु चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ री थीम माते बूंदी माए आज राजकीय महाविद्यालय माए राष्ट्रीय सेवा योजना सू जुड़िया छात्र नुक्कड़ नाटक रा जरिया सू समाज माए चाल री कुरुत्या ने खत्म करवारो संदेश दिनो। नाटक रा जरिया सू टाबरिया सू भेदभाव, दहेज प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जेड़ा मुद्दा ने लेर लोगों ने जागरूक करो गयो। आप ही बताइए देश में हर जगह इतने सारे गड्ढे हैं। जी, आज हमने द वॉइस ऑफ इंडिया फाउंडेशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे समाज में,
आज भी बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां पर महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिए जाते। तो हम चाहते हैं कि ये एक शुरुआत हो कि हर महिला को उसका अधिकार मिले, तो ये शुरुआत हम सभी अपने अपने घरों से करें। ये समाज में काफ़ी ज़्यादा जो व्यापक समस्याएं हैं, हमने उनको बस एक प्रदर्शित करने का जरिया देखा है। सोशल मीडिया के माध्यम से अभी हम कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना ने देश का अभी बर्बाद किया हुआ है, तो थोड़ा हमें भी समझना पड़ता है। NSS वॉलंटियर्स। प्रदेश में लगातार जारी बिरखासू नदी और तालाबों में पानी की आवक बढ़ गई है। मौसम महकमू आवाला 24 घंटा में बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, टोंक और उदयपुर जिला में भारी बिरखारी चेतावनी देनी है। इनके साथ ही जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर संभागा में भी कई ठोरा माते मेघ गर्जना के साथ बिरखारी आस जताई गई है। वहीं अगर ये पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को अलग अलग देखें तो पूर्वी राजस्थान में लगभग नॉर्मल के बराबर ही रेनफॉल हुई है, वहीं पर पश्चिमी राजस्थान में 21% सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो चुकी है। आने वाले आगामी सप्ताह के अंदर पूरे प्रदेश में वर्षा का दौर जारी रहेगा। वहीं पर 2 और 3 तारीख को वापिस से मौसम थोड़ी तेजी पकड़ेगा और कई स्थानों पर, एक दो स्थानों पर भारी बारिश। जयपुर में बाढ़ से निपटवा खातर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज रा मुख्य अग्निशमन एहलकार देवेंद्र कुमार मीणा रे सारू जयपुर में 4 बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। आ नियंत्रण केन्द्र में आपदा से निपटवा खातर माटीरा कट्टा, मड पंप, ट्रैक्टर समेत दूजा साधन भी मौजूद है। डीडी राजस्थान माते प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माते देख सको हो और खबरना रा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DDNews राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। अब आखिर में खास खास खबर एक कर फेरूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल री बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। एक बड़ा सुधार रहते तहत राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा रो लियो गयो फैसलो, जन खातर चलाई जावेली कर्मयोगी योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना रा हालात रिलीनी समीक्षा बैठक। बैठक में कोरोना रा रोकथाम खातर भात मात्रा मुद्दा माथे करेगी चर्चा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा 699 मामला रे साथ ही संक्रमिता की तादाद भी 83,012। चिकित्सा महकमा रा प्रमुख शासन सचिव गांव और कस्बा में कोरोना री रोकथाम खातर रणनीति बनावा रा दीना निर्देश। राज्य निर्वाचन महकमा रा एहलकार साथ मुख्य चुनाव आयुक्त लीनी बैठक। COVID-19 महामारी ने ध्यान में राखता तका निर्वाचन रा संचालन रा बारा में दीना दिशा निर्देश। अरे प्रदेश में बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमू आबाड़ा 24 घंटा में कई जिला में तेज बिरखारी दीनी चेतावनी। आपदा प्रबंधन महकमू बाढ़ नियंत्रण कक्ष कर स्थापित। इन साथ ही सीजा 4:30 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।